बाद मैगी में MSG की मात्रा को लेकर है। मैगी के इस्तेमाल को लेकर 3 राज्यों की सरकार ने बैन लगा दिया है। The Center for Science and Environment in determining pesticides in colas। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले ने कैसे ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल किया है। How are colas tested for pesticides? मैगी को लेकर जिस मैगी को लेकर इतना मिनिस्टर नेवर सेड दैट कोलास आर सेफ। फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से कुछ ब्रांड्स अपने पैकेट्स और एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू मिसलीडिंग लेबल्स एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं, तो आज उसी वीडियो की कंटिन्यूएशन में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से ब्रांड्स हैं और कैसी कैसी फॉल्स इंफॉर्मेशन और फेक प्रोमिसेस करके हमें चीट कर रहे हैं। इससे पहले आप में से जिस किसी ने भी इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखी है तो पहले आप ऊपर दिए आई बटन को क्लिक करके फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, बिकॉज फूड स्कैम की यह पूरी सीरीज आप सभी की लाइफ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यह पूरी सीरीज आपको, आपके परिवार को और आपके दोस्तों को इस बेहद खतरनाक ट्रैप से बचा सकती है। सो विदाउट एनी डिले आइए शुरू करते हैं एक एक करके इन सभी ब्रांड्स को एक्सपोज करना। लेट्स क्रैक द Health scam today। Food Safety and Standards Authority of India, यानी FSSAI ने हाल ही में बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स को अपनी जांच के घेरे में लिया और इनमें से 38 लीडिंग ब्रांड्स को फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम्स करते पाया और इनके अगेंस्ट अपनी प्रोसीडिंग्स भी शुरू कर दी। मैगी नूडल कंट्रोवर्सी। फूड प्रोडक्ट कंट्रोवर्सीज में मैगी कंट्रोवर्सी को कौन भूल सकता है, जब मैगी ने अपने एडवर्टाइजमेंट्स में इसे बच्चों के लिए एक हेल्दी फास्ट फूड ऑप्शन की तरह प्रमोट किया। तभी अलग अलग स्टेट से कलेक्ट किए गए मैगी नूडल्स के सैंपल्स में प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG और लेड पाया गया, जिसके चलते गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए मैगी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को यानी नेस्ले को कंज्यूमर कोर्ट्स में घसीट लिया। यही नहीं, कोर्ट्स ने इस कंट्रोवर्सी के चलते माधुरी दीक्षित, अमिताभ बच्चन और प्रीति जिंटा के अगेंस्ट भी FIR फाइल की, जिसमें पैसों के बदले मैगी जैसे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए गए। एक नज़र अपने घरों में डेली यूज होने वाले इन हेल्थ ड्रिंक्स पर भी डालें, जिन्हें आप बड़े चाव से रोज अपने बच्चों को यह सोच कर पिलाते हैं कि न्यूट्रिशन से भरे हुए ये हेल्थ ड्रिंक्स आपके बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं। नंबर 1, हॉर्लिक्स। इस हेल्थ ड्रिंक को अपनी सभी एडवर्टाइजमेंट्स में यह क्लेम करते देखा गया कि इसे पीने से बच्चे जल्दी ही लंबे, ताकतवर और बुद्धिमान हो जाते हैं। हॉर्लिक्स के अगेंस्ट एक कंप्लेंट भी फाइल की गई, जिसमें हॉर्लिक्स की इस एडवर्टाइजमेंट को चैलेंज किया गया, जिसमें यह दावा किया गया था कि हॉर्लिक्स इंप्रूव्स कंसंट्रेशन एंड दस कैन हेल्प स्टूडेंट्स स्कोर बेटर इन एग्जाम्स। जांच के दौरान इस क्लेम को झूठा पाया गया कि इस हेल्थ ड्रिंक में ऐसा कुछ भी कर पाने का पोटेंशियल नहीं है। जांच के दौरान इसमें भी सिर्फ और सिर्फ शुगर भरी पाई गई। नेक्स्ट, बॉर्नविटा। तन की शक्ति, मन की शक्ति, प्रो हेल्थ विटामिन्स का क्लेम करने वाले बॉर्नविटा की असलियत यह है कि यह हेल्थ ड्रिंक भी सिर्फ और सिर्फ चीनी से भरी हुई है। इसका शुगर कंटेंट 71% है, जो कि रिकमेंडेड डेली लिमिट्स के 57% ज्यादा है। अंदाजा लगाइए कि 20 ग्राम्स की एक सर्विंग में 14 ग्राम्स तो सिर्फ शुगर ही है। नेक्स्ट है कॉम्प्लान। कुछ ऐसा ही हाल 34 वैटल न्यूट्रिएंट्स, 100% मिल्क प्रोटीन, मोर प्रोटीन फास्टर ग्रोथ, ट्रिपल एक्शन मिल्क प्रोटीन, 2x मिल्क प्रोटीन, ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एब्जॉर्ब्स बेटर इन बॉडी, जैसे बड़े बड़े क्लेम करने वाले कॉम्प्लान का भी यही हाल है। इसकी भी असली सच्चाई यही है
कि यह ड्रिंक भी बस शुगर से भरी पड़ी है। इसमें 38% तक सिर्फ शुगर ही शुगर है। आइए अब जरा आपके आसपास दिखने वाले हार्ट बिस्किट्स पर नजर डालें। जरा इनकी भी असलियत जान लें कि बड़े बड़े हार्ट क्लेम्स करने वाले इन बिस्किट्स की असली सच्चाई आखिर क्या है। ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस एसेंशियल ऑट कुकीज, यह बिस्किट्स डायबिटिक फ्रेंडली होने के साथ ही जीरो एडिड शुगर और हाई डाइट्री फाइबर होने के क्लेम्स करते हैं, बट एक्चुअल हिडन फैक्ट यह है कि इसमें बहुत ही हाई फैट कंसेंट्रेशन होती है जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 19% है। नंबर 2, ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव कुकीज। इसी तरह से हाई फाइबर क्लेम करने वाले इन बिस्किट्स की सच्चाई भी यही है कि दे ऑल्सो कंटेन हाई फैट कंटेंट एंड द वैल्यू ऑफ दैट इज 19.6%। नाउ सनफीस्ट फार्म लाइट डाइजेस्टिव ऑल गुड, ये बिस्किट्स क्लेम करते हैं कि दे कंटेन फाइबर, नो एडेड शुगर, नो मैदा, जबकि इन बिस्किट्स का हिडन फैक्ट यह है कि दे ऑल्सो कंटेन हाई फैट कंटेंट एंड दैट इज 22.7%। मैकविटीज डाइजेस्टिव, ठीक यही हाल मैकविटीज डाइजेस्टिव बिस्किट्स का भी है। हॉल हीट एट इट्स हर्ट, हाई इन फाइबर, जीरो कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट फ्री जैसे बड़े बड़े क्लेम्स करने वाले इन बिस्किट्स में भी हाई फैट कंटेंट भरा हुआ है एंड दैट इज 21.2%। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे आपके फूड पैकेट्स पर लिखे खतरनाक ई कोड्स का सच, कि किस तरह से कुछ डेंजरस आर्टिफिशियल कलर्स, प्रेजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, थिकनेस, स्टेबलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स एटसेट्रा को उनके ओरिजिनल नाम से नहीं बल्कि कोड्स की शक्ल में इस तरह से आपके पैकेट्स पर मेंशन किया जाता है कि आप उनके ओरिजिनल नेम्स जान ही नहीं पाते, और किस तरह से ये हिडन एनिमीज आपको कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों की तरफ खींच ले जाते हैं। तो अगर आप सच में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की केयर करते हैं तो इस सीरीज की हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि यह जरूरी लाइफ सेविंग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। लेट्स कंटिन्यू विद द प्रेजेंट वीडियो नाउ। अब जरा इन्हें भी देखिए। केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स, केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स की स्पेशल की एडवर्टीजमेंट को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने फॉल्स हेल्थ क्लेम्स के चलते जांच के घेरे में लिया। इस एडवर्टीजमेंट में कंपनी ने क्लेम किया था कि जो लोग केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं उनका वेट बहुत फास्टली लूज होता है और केलॉग्स की एक व्यक्ति की डाइट में सिर्फ 114 कैलोरीज ही ऐड करता है। इसके लेबल पर हार्ट हेल्दी भी लिखा होता है लेकिन इसमें हाई शुगर्स एंड फैट्स मौजूद होते हैं और जांच करने पर इसके भी सभी क्लेम झूठे पाए गए। नेक्स्ट, डाबर च्यवनप्राश। डाबर च्यवनप्राश की एक एडवर्टीजमेंट में यह क्लेम किए गए थे कि डाबर च्यवनप्राश आपके बच्चों को 3 गुना ज्यादा इम्यूनिटी और बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी जांच के दौरान इसे झूठा पाया और डाबर पर सख्त कार्रवाई करते हुए इसकी एडवर्टीजमेंट को बैन कर दिया। लेज, आइए अब जरा लेज को देखते हैं। इस ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स में नेचुरल नाम से लेबल लगाए जाते हैं जिसे देखते ही आपको लगता है कि ये हेल्दी होंगे, लेकिन इनमें शुगर एंड सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। यही नहीं, इसके लेबल पर आपने ट्रांसफैट फ्री भी लिखा देखा होगा लेकिन इसमें हाईली रिफाइंड ऑयल्स यूज किए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही अनहेल्दी होते हैं। फ्रेंड्स, यह लिस्ट इतनी लेंदी है कि हम घंटों इसको गिनते रह सकते हैं और यह तब भी खत्म नहीं होगी। लाइक अगर कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या पैक्ड जूसेस को ही लें तो सब के सब बस भारी मात्रा में चीनी से भरे हुए हैं। ऐसे ही हेल्थ के नाम पर मसाला ओट्स परोसने वाले ब्रांड्स लाइक सफोला,
केलॉग्स और क्वेकर्स में भी भारी मात्रा में सिर्फ और सिर्फ सोडियम भरा पड़ा है। कुल मिलाकर आपके चारों तरफ आपकी हेल्थ के साथ खेलते इन चालाक ब्रांड्स का जाल बिछा हुआ है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, प्रॉफिट, मुनाफा। फिर चाहे कोई बीमार हो, किसी की जान जाए, इनका तो बस प्रॉफिट बनना चाहिए। ये सारे प्रोडक्ट्स FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्शन 24 को वायलेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24, नो पर्सन कैन मेक फॉल्स क्लेम्स इन ओरल, राइटिंग और इवन बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट प्रोवाइडिंग एनी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन। यानी कोई भी ब्रांड बोलकर, लिखकर या दिखाकर अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज के बारे में झूठे क्लेम्स नहीं कर सकता जब तक कि उन क्लेम्स को उस ब्रांड ने अपनी साइंटिफिक डेमोंस्ट्रेशंस में प्रूव ना किया हो। समय समय पर इनके अगेंस्ट एक्शंस भी लिए जाते रहे, लेकिन लॉज एंड पनिशमेंट्स अभी शायद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं कि हेल्थ के नाम पर चलता यह अनहेल्दी स्कैम बंद हो सके। तो इसलिए आपको और हमें ही अलर्ट रहना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके फूड पैकेट्स पर लिखे खतरनाक ईकोड्स, यानी कि किस तरह से कुछ डेंजरस आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, थिकनर्स, स्टेबलाइजर्स, एंटीबायोटिक एटसेट्रा को उनके ओरिजिनल नाम से नहीं बल्कि कोड्स की फॉर्म में इस तरह से पैकेट्स पर मेंशन किया जाता है कि आप उनके ओरिजिनल नेम्स जान ही नहीं पाते। तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।